हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो या प्रोडक्शन के स्टूडेंट के लिए यह लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, आप फटाफट अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज के ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पर, सभी जगह आप फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आपने हमारे सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ से। सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले व्यय, होने वाले लाभ में डैश होता, ऑप्शन ए है नगण्य, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी है बहुत अधिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में होने वाले व्यय, होने वाले लाभ में नगण्य होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की वह शाखा जो उद्योगों के खतरों से संबंधित है। तो दोस्तों, जो औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की वह शाखा जो उद्योगों के खतरों से संबंधित है, तो हम आप देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए कम करने के लिए, कम करने से, ऑप्शन बी या नियंत्रित करने से, ऑप्शन सी या दूर करने से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, क्या है कि औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की वह शाखा जो उद्योगों के खतरों को संबंधित है, वो होता है कम करने से, नियंत्रित करने से और दूर करने से होता। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तीनों से कम करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दुर्घटना का अप्रत्यक्ष लागत है, ऑप्शन ए है इसका, हम देख लेते हैं, कार्यकर्ता के इलाज के लिए भुगतान किया गया धन, ऑप्शन बी है इसका, कार्यकर्ता के भुगतान किया गया मुआवजा, ऑप्शन डी है घायल श्रमिक का बंद कार्य के समय की लागत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना ना भूलें। हम बता दें कि दुर्घटना प्रत्यक्ष क्या होता है, घायल श्रमिक का बंद कार्य के समय लागत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विकिरण खतरे के लिए निम्न में से किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपका जो विकिरण खतरा है वो इसमें से किस रंग का उपयोग किया जाता है, हम आपको बता दें। ऑप्शन ए हमारा लाल रंग, ऑप्शन बी हमारा नारंगी रंग, ऑप्शन सी है हरा रंग, ऑप्शन डी है बैंगनी रंग। तो दोस्तों, विकिरण खतरे के लिए हम जिस रंग का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा बैंगनी रंग। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, खतरे के उच्च जोखिम के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, खतरे के जो उच्च जोखिम के लिए है किस रंग का प्रयोग किया जाता है, यदि आपको पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। यदि नहीं पता तो हम आपको बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो आइए देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या है। ऑप्शन जो हमारा पहला लाल, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है बैंगनी। तो दोस्तों, खतरे के उच्च जोखिम के लिए जिस रंग का प्रयोग किया जाता है वो होता है रेड, क्योंकि रेड हम खतरे के लिए ही उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डेसिबल एक इकाई है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, डेसिबल जो इकाई है उसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, प्रकाश, ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है आवृत्ति, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें कि डेसिबल एक इकाई है जिसका उपयोग हम करते हैं ध्वनि के मापन के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मशीनों में सुरक्षा उपकरण के रूप में निम्नलिखित का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए है हमारा सुरक्षा रोक, ऑप्शन बी है सुरक्षा इंटरलॉक, ऑप्शन सी है सीमा स्विच, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मशीनों में सुरक्षा उपकरण के रूप में जो हम निम्नलिखित का उपयोग करते हैं वो होता है उपरोक्त सही, सुरक्षा रोक और सुरक्षा इंटरलॉक, सीमा स्विच, इन तीनों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि आपको कमेंट बॉक्स में पहले ये पता था आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। यदि नहीं पता है तो आप तो हम बता ही दिए हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी आसानी हो सके। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो या प्रोडक्शन 6 सेमेस्टर के सभी लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, टेक्सटाइल या अन्य कपड़े की आग बुझाने के लिए बुझाने वाला उपयुक्त अग्निशामक है। तो ऑप्शन ए है इसका पानी, ऑप्शन बी है सोडा एसिड, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है फोम, ऑप्शन डी है शुष्क रसायन। तो दोस्तों, जो टेक्सटाइल या अन्य कपड़ों की आग बुझाने के लिए उपयुक्त अग्निशामक है, यदि आपको पता है कि इसका सही जवाब, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें कि टेक्सटाइल या अन्य कपड़ों की आग बुझाने के लिए जो उपयुक्त अग्निशामक है वो है शुष्क रसायन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तेल या ज्वलनशील तरल आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है इसका सोडा, ऑप्शन बी है सोडा एसिड, ऑप्शन बी है इसका वाष्पशील तरल, ऑप्शन सी है फोम, ऑप्शन डी है शुष्क रसायन। तो दोस्तों, तेल या ज्वलनशील तरल आग बुझाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें फोम का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सावधानी कथन नियम चोट लगने के कम खतरे के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सावधानी कथन नियम चोट लगने के लिए जिस रंग का प्रयोग किया जाता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। यदि नहीं पता है तो हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। लाल रंग, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है नारंगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि सावधानी कथन नियम चोट लगने के कम खतरे के लिए हम किस रंग का प्रयोग करते हैं, उसका जो ऑप्शन सही है वो रंग हम पीला रंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राथमिक चिकित्सा स्थल के लिए रंग प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपका प्राथमिक जो अभी कभी भी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो जिस रंग का प्रयोग करते हैं आपको पता चल गया होगा कि चिकित्सा में प्राथमिक चिकित्सा स्थल के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको पता नहीं तो आप कोई बात नहीं, हम आपको बता सकते हैं। यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। यार, तो हम बता दें, प्राथमिक चिकित्सा स्थल के लिए हम जिस रंग का प्रयोग करते हैं वो रंग होता है हमारा हरा रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अग्नि सुरक्षा डैश पर आधारित ऑप्शन ए है अग्नि त्रिकोण, ऑप्शन बी है समकोण, ऑप्शन सी है एवा बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको पता है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें कि अग्नि सुरक्षा डैश यानी अग्नि त्रिकोण पर आधारित है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, अग्नि त्रिकोण। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कारखाना अधिनियम 1948 की इस धारा में स्वच्छता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको पता है कि कारखाना अधिनियम 1948 किस धारा में स्वच्छता का प्रावधान किया गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन जो हैं, धारा 505, धारा 11, धारा 12, धारा 13। तो दोस्तों, इसका सही जवाब, यदि आपको पता कि कारखाना अधिनियम 1948 में किस में स्वच्छता का प्रावधान है, तो हम आपको बता दें कि कारखाना अधिनियम 1948 में जो धारा हमारा 11 का प्रावधान है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कारखाना अधिनियम 1948 किस धारा के अल्पवयस्क व्यक्ति की खतरनाक मशीनों पर नियुक्ति करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, धारा इसका है 22, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हमारा जो इसका धारा 23, ऑप्शन सी है धारा 12, धारा ऑप्शन डी धारा 25। तो दोस्तों, इसका सही जवाब, यदि आपको पता है कि व्यक्तियों के खतरनाक मशीनों पर नियुक्ति करने के लिए प्रावधान किया गया है, जो उसका ऑप्शन है धारा 23 का किया गया है, इसके तहत आपको खतरनाक मशीनों पर नियुक्ति की जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मितवेय आदेश ईओक्यू किस बैच की
किस बैच की वह मात्रा है जिसके क्रय से डैश, ऑप्शन ए है प्रति नग लागत स्थिर रहती है, ऑप्शन बी है प्रति नग लागत अधिक हो जाती है, ऑप्शन सी उत्पाद के रुकने की संभावना रहती है, ऑप्शन डी है प्रति नग लागत न्यूनतम रहती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आपको पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मितव्यय आदेश मात्रा ई ओ क्यू ज्ञात करने के सूत्र हैं, ऑप्शन ए है इसका क्यू बराबर अंडर रूट टू आर एस अपान सी एल, ऑप्शन बी है इसका क्यू टू आर एस अपान सी एल, ऑप्शन सी है इसका अंडर रूट सी एल अपान टू आर एस, ऑप्शन डी है इसका क्यू बराबर टू आर एस इंटू सी एल। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं, यदि नहीं पता है तो हम बता दें इसका ऑप्शन नंबर जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है क्यू बराबर अंडर रूट टू आर एस अपान सी एल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तो दोस्तों यह थी 20 नंबर 20 क्वेश्चन की जो हमारी वीडियो लेक्चर होने वाला था, तो हमारा 20 क्वेश्चन का यह वीडियो लेक्चर हो चुका। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, यदि नहीं अच्छी लगी तो हम इस वीडियो को बनाने के लिए किन चीज़ों का इम्प्रूविंग कर सकते हैं आप हमारे लिए ज़रूर बता सकते हैं कि सर आपके पढ़ाने के तरीका में ये कमी है या भैया आपके पढ़ाने के तरीका में ये कमी हो रही है आप उसको इम्प्रूव करिए। तो दोस्तों हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम में जो कमियां होगी उसको ज़रूर दूर करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं और अपने दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।